देखिए कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे हैं यूडियोमेट्री के लिए. फर्स्ट, 10 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CO CH4 N2 एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गेव अवे कंट्रैक्शन ऑफ 6.5 ml. देयर वॉज ए फर्दर कंट्रैक्शन ऑफ 7 ml. देन रेसिड्यू गैसेस ट्रीटेड विद KOH, वॉल्यूम ऑफ KOH CH4 एंड N2 रिस्पेक्टिवली. मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो आपको मिक्सचर होगा या किसी एक कंपाउंड के बारे में कंपोजिशन निकालना होगा. तो यहाँ एक मिक्सचर दिया हुआ है, कैसे इसको हमें सॉल्व करना है. देखो CO, CH4 और आपको क्या दिया हुआ है, N2 गैस, तीन दे रखी है, ठीक है, और 10 ml मिक्सचर है. तो अब आप क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सोचिए. इसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, इसके लिए आपको चाहिए रहेगा ये O2. तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, CO2. ये किसमें चेंज हो जाएगा, CO2 प्लस ट्वाइस H2 O2 के साथ, यस और नो. और ये O2 के साथ कोई रिएक्शन देगा नहीं, पहली चीज. दूसरी चीज, यहां क्या आएगा, मान लीजिए एक्स है, यहां वाई मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - x प्लस वाई, क्योंकि हमें बोला गया है टोटल आपके पास कितना है यहां पर 10 ml. अब आगे हमें कितना ऑक्सीजन कॉन्ट्रेक्शन मिल रहा है, 6.5 ml. तो ये कौन सा कॉन्ट्रेक्शन है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ रिएक्शन. कॉन्ट्रेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट वॉल्यूम माइनस प्रोडक्ट वॉल्यूम. तो अगर आप रिएक्टेंट वॉल्यूम माइनस की जगह रिएक्टेड वॉल्यूम लिखेंगे तो भी बात एक ही है, रिएक्टेड वॉल्यूम, लेकिन यहां क्या होगा, प्रोड्यूस वॉल्यूम. और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, जल्दी बताइए, 6.5 दिया हुआ है ना. तो बताइए रिएक्टेड वॉल्यूम कितना है, इसका एक्स खत्म हो रहा है पक्का. तो बताइए O2 का कितना होगा, x/2, क्योंकि इसका एक्स है तो इसका x/2 दिख ही रहा है, हाफ मोल, तभी तो CO2 बन रहा है. तो x प्लस x/2 माइनस y, और CO2 ट्वाइस H2, दो और दो चार, यानी कि यहां 2 O2 आएगा, यस और नो. तो इसका y कंज्यूम हो रहा है तो इसका कितना होगा, 2y. तो 2y प्लस 2y, ये तो है रिएक्टेड वॉल्यूम. ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है. माइनस प्रोड्यूस वॉल्यूम, CO2 कितना बनेगा, x, और ये CO2 कितना बन रहा है, यहां पर, यहां बनेगा y. H2 को हम क्या लिया जाए भाई, H2 के साथ हमारे पास मारा मारी है कि H2 को हम लिक्विड लें या फिर हम वेपर लें, ये हमारे पास है, ठीक है. तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ना पड़ेगा कि CH2 को हमें लिक्विड लेना है या वेपर. 10 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ CO CH4 एंड N2 एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गिव अवे कॉन्ट्रेक्शन 6.5, वेयर फर्दर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 7 ml. देयर वाज फर्दर व्हेन रेसिड्यूल गैसेस ट्रीटेड विद दिस. अगर कुछ नहीं दिया है कि क्या है, तो हम बाय टेम्परेचर कूलिंग वही 273 लेंगे, और Cl3 उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा H2O क्या रहेगा, लिक्विड, कुछ भी नहीं बोला. तो टेम्परेचर वही 273 पे वाटर क्या होता है, लिक्विड. तो अब प्रोड्यूस रिएक्टेड वॉल्यूम, हमारे पास रिएक्टेड वॉल्यूम था x, कहीं हमारे पास रिएक्टेड वॉल्यूम x प्लस x/2 प्लस प्लस आएगा y एंड 2y, ये रिएक्टेड वॉल्यूम था. और प्रोड्यूस वॉल्यूम क्या होगा हमारा, x प्लस y, और ये वैल्यू कितनी है आपके पास, 6.5. तो देखिए हमारे लिए x y कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13. पहली इक्वेशन तैयार है, हाँ या ना. हमने क्या करा, x और y क्रॉस कर दिए, x प्लस 4y, और ये 2 जो नीचे एलसीएम है वो हम वहां ले गए. तो फर्स्ट इक्वेशन रेडी है. सेकेंड रिएक्शन उसने कहा है CO2 का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे बोला है उसने, कॉन्ट्रेक्शन विद QH, देखो ध्यान से, विद QH. जब कॉन्ट्रेक्शन विद QH कर रहे हैं तो CO2 का वॉल्यूम आएगा x प्लस y, और वो हमें दिया गया है, कितना दिया है, कॉन्ट्रेक्शन विद QH 7. तो ये हमारे पास 7 है. अब दोनों इक्वेशन से हम क्या y को निकाल सकते हैं, हाँ, दोनों इक्वेशन माइनस करो तो आपके पास 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 - 7 कितना आएगा, 6. तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और y की वैल्यू वापस 2 रखती है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4. तो बताइए कंपोजिशन मिल गया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू
एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू, जल्दी से बोलते जाएं, वाई की वैल्यू 2, कुछ गड़बड़ हो गई यहां पर, एक्स प्लस वाई 7 है, वाई की वैल्यू 2 निकाली तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 5। तो ये हमारे लिए 5, 2 और ये बचा कितना, 3, तीनों आंसर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इजी है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, उतार लीजिए और जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की रीडिंग करिए आप। करें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, ध्यान से सुनिएगा, इस तरफ मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूं, देखिए, व्हेन 100 ml ऑफ O2 एंड ओजोन मिक्सचर वाज पास थ्रू टर्पेंटाइल देयर वाज रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम बाय 20 ml, यानी मेरे पास O2 और ओजोन को मैंने, जो कि मेरे पास कितना है 100 ml है, मैंने किस में से पास किया, टर्पेंटाइल। टर्पेंटाइल किसको एब्जॉर्ब करता है, ओजोन को, तो बचेगा क्या, O2, और कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है 20 ml, सीधा सीधा बता रहा है 20 ml ये है और 80 ml ये है, इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज क्या होगी, समझ में आ रहा है। उसने कहा ना वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि ओजोन का वॉल्यूम इज 20, तो 80 और 20। अब उसने फिर क्वेश्चन बनाया, इफ 100 ml ऑफ सच ए मिक्सचर, यानी यही मिक्सचर को जिसमें O2 और ओजोन है 100 ml लिया गया है, 100 ml ऑफ सच ए मिक्सचर हीटेड व्हाट विल बी इंक्रीजेस इन वॉल्यूम, इंक्रीजेस कितना होगा, तो आप ही बताइए कि जब हीटिंग करोगे तो इसका तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये O2 में चेंज हो जाएगी, तो O2 तो O2 ही रहेगा, ये कितना है 20 ml, बैलेंस करो इसको, यहाँ 2 और 3, तो इसके 2 से 3 बनते हैं, तो 20 से कितने बनेंगे 30 ml, ये तो 80 ml एज इट इज आएगा, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 110 ml, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ डेल्टा वी, पहले 100 था अब कितना हो गया 110 माइनस 100 बिकम 10 ml, तो 10 ml का आपको फायदा हुआ। व्हाट विल बी इंक्रीजेस इन वॉल्यूम, आंसर गोज टू 10। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप दोनों को लिखें और अगला क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, हम 3 का सॉल्यूशन बना रहे हैं। 60 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, आराम से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 60 ml मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, 60 ml, तो पहले तो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है N2O, और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या होता है NO, समझ में आ रही है बात, नाइट्रस और नाइट्रिक, नाइट्रस ऑक्साइड याद है आपको लॉफिंग गैस भी होती है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड वाइज एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इफ 38 ml ऑफ N2 वाज फॉर्म, तो जब आप एक्सप्लोडेड विद हाइड्रोजन करते हैं तो N2 गैस बनेगी और यहां पर क्या होगा H2O, सही है, और यहां पर भी आप H करेंगे तो N2 गैस प्लस H2O, क्या बैलेंस कर सकते हैं, हाँ N2 हो गया H2 हो गया, बिल्कुल बैलेंस ही है, तो पैदाइशी बैलेंस है, N2 यहाँ आपको क्या बनेगा हाफ N2 और ये H2O, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत आपको, बैलेंस हो गया। इसको आपको टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 60 ml, मान लीजिए ये VML है तो ये कितना हो जाएगा 60 - V, आपको निकालना क्या है वी की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के, कैसे निकालेंगे, अगर ये V है तो बताइए ये कितना बनेगा N2V, और अगर ये 60 - V है तो ये कितना बनेगा 60 - V मल्टीप्लाई बाय 1/2, हाफ बनेगा, या सुनो, और आपको ध्यान दीजिए, आपको बोला गया है 38 ml ऑफ N2, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 जो कि आपको दिया है V प्लस 60 - V मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 38। क्या इस इक्वेशन से आप वी निकाल सकते हैं, जब आप वी निकालते हैं तो आप कंपोजिशन में निकल गए, आपका कोई डाउट नहीं है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, फोर्थ पे आते हैं हम, हटा दूं मैं,
तो फोर्थ क्वेश्चंस को आप एक बार रीडिंग करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ। देखते हैं, तो मैं ये हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हेन ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन वाज ओजोनाइज्ड, ठीक है, इन ए सुइटेबल एपरेटस द वॉल्यूम डिक्रीज बाय 4 ml, ऑन एडिशन ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम फर्दर डिक्रीजेस बाय 8 ml, टेम्परेचर नहीं, ऑन एडिशन ऑफ टर्पेंटाइन द वॉल्यूम फर्दर डिक्रीजेस बाय 8 ml, ऑल वॉल्यूम आर मेजर्ड इन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, फ्रॉम दिस डाटा एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ ओजोन, हमें ओजोन का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, कैसे करेंगे? हमें ये नहीं मालूम था उस समय इडियोमेट्री से पहले कि ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, हम इसको क्या मानेंगे, ओ एक्स, समझना, ये हमारे पास O2 थी, क्या थी, O2 गैस, तो अलग अलग साइंटिस्टों में अलग अलग मतभेद था, कोई ओजोन O3 लिख रहा था, कोई O4 लिख रहा था, कोई O5 लिख रहा था, तो हमने ओ एक्स लिख दिया और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बात किया। तो पहली चीज हमें शुरुआत में क्या दे रखा था, हमने कुछ वॉल्यूम लिया, द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय दिस सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन वाज ओजोनाइट्स, तो हमारे को मान लिया हमने ये VML लिया, सर्टेन क्वांटिटी VML, पहले इसको बैलेंस कर लें, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 बाय एक्स, बैलेंस हो गया 2 बाई एक्स, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, क्या ये बैलेंस है रिएक्शन, हाँ, अगर आपने VML ले लिया तो इसका ओजोनाइज करोगे तो V मल्टीप्लाई बाय 2 बाई एक्स, यही आएगा ML, इसकी वैल्यू कितना दी गई है आपको, 4 ml, नहीं क्या दी गई है, द वॉल्यूम डिक्रीज बाय 4 ml, तो हमें डिक्रीज बाय 4 ml दिया हुआ है, यानी लॉस हमेशा कैसे निकालते हैं, लॉस इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, तो वी माइनस वी मल्टीप्लाई बाय 2 बाई एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 4, और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ ओजोन जो कि ओ एक्स है, वो हमें दिया गया है, हमारे पास है 2V बाई एक्स, 2V बाई एक्स, और वो वैल्यू दी गई है हमारे को 8 ml, क्योंकि टर्पेंटाइल ऑयल किसको एब्जॉर्ब करता है, ओजोन को, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, देखो 2V बाई एक्स की वैल्यू 8 है, तो 8 यहां रखेंगे तो V माइनस 8 की वैल्यू 4, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से बोलो, फर्स्ट और सेकंड में V की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन दोनों को माइनस कर दो, सॉरी ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ V, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, यानी शुरुआत में 12 था, फिर उसके बाद V की वैल्यू 2V यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 4 से कटेगा 2 टाइम्स, तो कुल मिला के आपको 3 वैल्यूज मिल रही है, ठीक है, और हमें ओजोन का फॉर्मूला क्या मिलेगा इससे, O3, आज हम जानते हैं, लेकिन जब नहीं जानते थे तब ऐसे निकाल सकते थे। इडियोमेट्री में और भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स बन सकते हैं, लिखें इसको। फिफ्थ क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्यूशन फिफ्थ, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है 10 ml ऑफ अमोनिया वर इनक्लोज इन एन यूडियोमेट्री ट्यूब एंड सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक स्पार्क, द स्पार्क्स वर कंटिन्यू टिल देयर वाज नो फर्दर इंक्रीजेस इज वॉल्यूम, द वॉल्यूम आफ्टर स्पार्किंग मेजर 20 ml, now 30 ml of O2 were added and sparking was continue again, the new volume then measured
27.5 ml. All volumes were measured under identical condition of temperature pressure. Identical conditions of temperature pressure मतलब temperature pressure constant है. Vapor density of ammonia 8.5. Calculate the molecular formula of ammonia. हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया अमोनिया का मोलर फॉर्मूला CnHy है. क्वेश्चन से ये तो पता चल गया था NxHy, सही है. तो चलिए इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा. मॉलिकुलर वेट इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2. हाँ या ना. उसने एग्जामिनर ने वेपर डेंसिटी कितनी दी गई है आपको, क्या दिया गया है, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कितना हुआ 70. अगर अमोनिया को देखते हैं और हमें ये पता चला है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो आप बताओ नाइट्रोजन के कितने एटम हो सकते हैं मिनिमम. एक, दो तो हो ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 14, दो होते ही 28, और नाइट्रोजन होना जरूरी भी है. यानी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी ऑफ एक्स, क्या होगी, ओनली 1. और अगर पॉसिबल वैल्यू 1 है तो दूसरी पॉसिबल वैल्यू वाई क्या होगी, ओनली 3. हमें इतने डाटास की जरूरत ही नहीं है. तो 1 और 3 हो गया, तो हमारा अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3. इसके अलावा कोई और पॉसिबल है क्या, नहीं. तो इतना लंबा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें ही काफी है. बाकी डाटा से भी कर सकते हो दूसरा मेथड, लेकिन मुझे तो ये अच्छा लगा. समझ में आ रहा है, एक के अलावा 2 हो ही नहीं सकती है, तो हम क्यों दिमाग लगाएं. ठीक है, कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए. 20 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ C2H2 एंड CO वाज एक्सप्लोइटेड. यानी C2H2 और CO को आपने 20 ml है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, VML. और ये कितना हो जाएगा, 20 - V. तो जब एक्सप्लोडेड कर रहे हो विद 30 ml ऑक्सीजन प्लस O2, तो ये क्या बनाएगा, ट्वाइस CO2 प्लस H2O. बैलेंस साथ के साथ मैंने कर दिया, कार्बन फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब कर रहा हूँ मैं, 2, 2, 4 और 1, 5. तो यहाँ क्या आएगा, 5/2 प्लस हाफ O2, ये तो बनेगा ही सिर्फ CO2. ये हमने लिख दिया है. और टोटल वॉल्यूम हमारे पास 30 ml ऑक्सीजन है. द गैसेस आफ्टर द रिएक्शन हैड ए वॉल्यूम 34 ml. अनट्रीटेड विद QOH 8 ml ऑफ ऑक्सीजन रिमेन. कैलकुलेट द कंपोजिशंस. आप ही बताइए, अनट्रीटेड विद QOH 8 ml ऑक्सीजन रिमेन. तो क्या हमारे लिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा. 20 ml मिक्सचर था, तो आप ही बताइए वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना बनेगा. वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना बनेगा, V से कितना बनेगा यहाँ, 2V. तो मुझे तो बहुत इजी लग रहा है, एक तो 2V प्लस, 2V तो फर्स्ट इक्वेशन में बनेगा और सेकंड में बनेगा 20 - V. तो कितना हुआ ये हमारे लिए, 20 + V, दोनों को ऐड कर दिया हमने. कोई डाउट, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 रहेगा. और एक और है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ CO2 हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं. कैसे, हमारे पास था, यहाँ देखिए हमारे पास था 34 ml और उसके बाद ये 8 ml रह गया. तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 होगा 34 - 8. कितना आता है ये वैल्यू, 34 - 8, 26. तो इसका से हमें पता चल रहा है वी, 20 + V की वैल्यू दिस. तो बाय ये सेकंड इक्वेशंस और ये फर्स्ट इक्वेशंस, तो 20 + V की वैल्यू 26, तो V की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 6 ml. तो कंपोजिशन आ गया, ये 6 ml और ये 14 ml. हाय आना. नेक्स्ट, इज दैट क्लियर, कोई टफ नहीं है. एक बार और समझा रहा है क्या, लिखें इसको.
एक काम और करें, पहले ये समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं समझा देता हूँ हमारे पास, फिर एक साथ लिख लीजिएगा। 10 ml ऑफ CO इज मिक्स विथ 25 ml एयर, 10 ml ऑफ CO इज मिक्स विथ 25 ml एयर हैविंग 20% ऑफ बाय वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम बी द फाइनल वॉल्यूम इफ नन ऑफ CO एंड O2 इज लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शंस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जगह की जरूरत भी पड़ेगी। तो हमें 10 ml मिक्सचर ऑफ CO इज मिक्स विद दिस, तो देखो CO हमें दिया गया है और O2 भी दिया गया है, जो दोनों मिलके क्या बना लेंगे CO2, ये हाफ O2। CO कितना दिया हुआ है 10 ml, समझना मेरी बात को, पहले ध्यान से सुनना, 10 ml दिया है, O2 कितना दिया है चाहिए रहेगा, ये 10 ml है तो ये कितना चाहिए रहेगा जल्दी से बोलो, 5 ml, क्योंकि उसने कहा है ना तो CO बचना चाहिए ना O2 बचना चाहिए, और क्योंकि एयर ले रहे हो तो N2 कितना होगा आप ही बताइए, एयर लिया जाएगा तो N2 जितना O2 है उससे 4 गुना, क्योंकि N2 है 80%। तो मुझे बहुत अच्छे से लग रहा है कि ये 5 ml है तो N2 कितना होगा, 4 times, यानी कि 20 ml पड़ा रहेगा। अब कंबशन हो गया तो ये जीरो, ये जीरो, ये कितना बनेगा 10, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एक तो होगा वॉल्यूम ऑफ CO2 और एक होगा वॉल्यूम ऑफ N2, तो 10 प्लस 20 बिकम 30, क्योंकि कंटेनर में N2 भी है और N2 ऑक्सीडाइज नहीं होती, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो फाइनल वॉल्यूम जो बचेगा लेफ्ट वो रहेगा CO2 का वॉल्यूम और 10, समझ में आ रही है बात, लिखें इसको।